20s. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है दिन संडे का और मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ और पीछे से आप लोग को टीवी का आवाज़ आ रहा होगा। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही टीवी खोल के बैठ गए हैं और देखने लगे हैं सीरीज़। संडे है तो हस्बैंड आराम से अपना छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं बैठ सकती। बैठ जाऊंगी तो सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। और वो बोल रहे हैं कब से कि चाय बना दो। नहाने में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, नहा के पूजा करो। वैसे अभी ज़्यादा लेट हो नहीं रहा है, 7:30 ही बज रहा है। तो वही यहाँ पर मैं सुबह वाली चाय बैठा दी हूँ, गुड़ की चाय, साथ के साथ मैं बादाम भी छील लूँगी। और जो भी सूखे बर्तन होते हैं ना, मैं अभी सारा अरेंज कर देती हूँ क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आने ही वाली होती है 8 बजे के आसपास। तो उससे पहले जो भी बर्तन वर्तन होते हैं सब मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। चाय पत्ती ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे मैं फिल करके रख दे रही हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि आप कौन सा चाय पत्ती यूज़ करती हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ टाटा टी गोल्ड। एक ही बार बड़ा वाला पैकेट लेकर आ जाती हूँ, काफ़ी सस्ता पड़ता है। ऐसे छोटा वाला पैकेट लो तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगता है। लीजिए आधा, मेरा भी है इसमें। कुछ दिनों से मैं ये वाला बिस्किट मंगा रही हूँ, खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे भी मैं अलग अलग बिस्किट ट्राई करते रहती हूँ। नमकीन वाली बिस्किट की मैं बात कर रही हूँ, मीठा बिस्किट नहीं खाते हैं चाय के साथ। और वैसे ये 50-50 बिस्किट ही है, पर इसका जो फ्लेवर है ना वो अलग है। और यहाँ पे मैं बालकनी धो दे रही हूँ। वैसे तो ये काम मेरी हाउस हेल्पर करती है, डेली करवाती हूँ मैं क्योंकि डस्ट आते रहता है। लेकिन कभी कभी मैं खुद से साफ़ करती हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं गंदा तो रह ही जाता है। आज ब्रेकफास्ट में हम यही बना लिए थे, बहुत दिन हो गया था खाए हुए, तो मैं सोची कि चलो आज बना लेती हूँ वर्मिसेली। वैसे आज संडे है तो मैं सोची थी कि काले चने की सब्जी और पूरी बना लूँगी या फिर आलू की सब्जी पूरी बना लूँगी, पर क्या हुआ ना कि कल शाम में हस्बैंड समोसा लेकर आ गए थे। तो कल शाम में समोसा, आज पूरी, तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा। थोड़ा गैप देकर खाओ ये सब चीज़ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसलिए मैं वर्मिसेली ही बना ली। मुझे ना एक कमेंट आया था, वैसे तो सारे कमेंट मुझे अच्छे अच्छे ही आते हैं। मैं इस मामले में काफ़ी लक्की हूँ कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं सच में। लेकिन एक दो कमेंट ऐसा आ जाता है ना कि जिसको पढ़ के थोड़ा सा ख़राब तो लगता ही है। 2-3 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था छठ पूजा वाले ब्लॉग पर कि चाय के साथ स्नैक्स, फिर ब्रेकफास्ट वो भी बाहर का, फिर इतना सारा लंच तुम खा कैसे लेती हो। तो कौन ऐसा है जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं खाता है, आप ही लोग बताइए। ऐसा कोई नहीं है, सब लोग खाते हैं। भले डोज कम ज़्यादा हो सकता है पर खाते तो सभी हैं। अलग बात है कि उस दिन मैं बाहर से ब्रेकफास्ट मंगा ली थी, इडली था, डोसा था और वड़ा था, जिसमें मेरे हस्बैंड सिर्फ डोसा खाए थे और मैं एक वड़ा और एक इडली खाई थी। क्या उसी के भरोसे मैं पूरे दिन भूखे रहूँ? ऐसे में तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जानी है कि नहीं। और जो मैं चाय के साथ डब्बा लेके बैठती हूँ स्नैक्स वाला, वो मैं पूरा थोड़ी ना खाती हूँ, 2-3 बिस्किट ही खाती हूँ। तो क्या चाय बिस्किट के भरोसे सीधे मैं लंच खाऊंगी? ऐसे मुझे ही प्रॉब्लम होने वाली है गाइस, आप ही लोग बताओ मैं गलत बोल रही हूँ क्या। और हाँ, अगर आप लोग इतना नहीं खाते हो तो आपकी मर्जी है, पर ये क्या बात हुई कि आप सामने से एकदम किसी को बोल दो कि इतना तुम कैसे खा लेती हो? भाई ठीक है, मैं खा लेती हूँ, भगवान की कृपा से मेरी पाचन शक्ति तो बहुत अच्छी है, आपकी नहीं है तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं सीरीज़ भी देख रही हूँ, वैसे तो काफ़ी लंबा चलने वाला है सीरीज़। सच बताऊँ तो काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है, काम तो करना ही है।
अभी अर्बन क्लब वाला आया था बाल काटने के लिए, मेरा नहीं हस्बैंड का। जब से मतलब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तब से हस्बैंड अर्बन क्लब से ही बाल कटाते हैं घर बुला के, और वो आज भी यही काम करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही बुला लेते हैं। तो जब आता है बाल काटने तो मेरा काम बढ़ जाता है। वैसे वो साफ़ करके जाता है लेकिन छोटा बाल इधर उधर गिरा ही रहता है, वही मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ दोपहर के 1:30 बजे, और अभी मैं अपना लंच बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली भूख नहीं लगी होती है ना, तो मैं लेट से ही खाना बनाती हूँ। और हस्बैंड भी बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लंच है तो एकदम 1 बजे से बना के रख दो, जब खाने का मन करे तभी बनाना है। और सीरीज़ भी हमारी फिनिश हो चुकी है, देख के ख़त्म कर दी है सीरीज़। और अभी मैं बना रही हूँ बोधी आलू की सब्ज़ी, आप लोग को रेसिपी दे दे रही हूँ। तो तेल में डाली हूँ 1 तेज़पत्ता, जीरा का फ़ौरन, हींग, 2 लाल मिर्च। और जब हल्का सा तड़का तड़क गया था ना, तो 1 बड़े साइज का प्याज था। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू, और आलू डालने के बाद भी इसे हाई फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद ही इसमें जाएगा बोधी। तो ये 250 ग्राम बोधी है गाइज, और 2 आलू ली थी। अब चाहें तो बिना आलू का भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और मैं मसाला पीस के सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पीसे हुए मसाले से सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, मुझे ज़्यादा पसंद है। सूखे मसालों वाली सब्ज़ी मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर मैं पूरे सब्ज़ी के लिए एक साथ नमक डाल दी हूँ, और खुले में मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊँगी हाई फ्लेम पर ही। सब्जी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो 6 से 7 लहसुन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लहसुन ले लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैं छिलके के साथ ही ले ली हूँ। मुझे कमेंट आया था कि छिलके के साथ पीसने से टेस्ट कैसा आता है। गाइस टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, आप लोग ले सकते हो। और साथ ही मैं मिर्च डाली हूँ, साथ ही 1 चम्मच में डाली हूँ जीरा, और 15 से 16 काली मिर्च, और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और इतनी देर में ये सब्ज़ी भी अच्छे से फ्राई हो चुका है जितना मुझे फ्राई करना था। और यहीं पे हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, और साथ के साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्स कर रही हूँ इसे, मैं भूनूंगी नहीं, क्योंकि मसाला मैं ऐड करने वाली हूँ, सारा एक साथ ही भुनेगा। जैसे ही आप मसाला ऐड करेंगे ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। पीसे हुए मसालों की खुशबू प्लस टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छा होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कवर करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और साथ के साथ सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएगी। साथ के साथ ही दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर लेते हैं। बनाने वाली हूँ भिंडी की एक बहुत ही अलग सी सब्जी। अलग सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो धोने के बाद ना भिंडी को अच्छे से पोंछ लेना है, मतलब कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसे काटना कैसे है। तो पूरा हाफ कर देना है भिंडी को, और अंदर का जो भी बीज है ना अच्छे से निकाल लेना है। आप चाहें तो चाकू से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अंगूठे से प्रेस करते हुए भी आप अंदर का जो बीज है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो मैं कैसे निकाल रही हूँ। अंगूठे से निकालने में मुझे ज़्यादा सहूलियत हो रही थी, चाकू वाला मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। और इसे ना 2 पार्ट में काट के पतला पतला काट लेना है। मैं बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी की रेसिपी गाइस, बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग साथ मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, वैसे मैं बहुत बार इसे बना चुकी हूँ। अंदर वाले जो बीज होती है ना उसी में चिपचिपाहट होता है, उसे अगर आप नहीं हटाएंगे तो भिंडी उतनी कुरकुरी नहीं बनेगी, इसलिए उसे निकालना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो मैं कैसे काटी हूँ। ये सब्जी तो वैसे अच्छे से रेडी हो चुकी है, आलू बोधी सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, प्लस मसाला भी अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो यहीं पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अभी भी ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊँगी लो फ्लेम पर।
अभी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला का पाउडर, करेंगे मिक्स और गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो गाइज़ ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होती है। एक बार मैं सूखे मसालों से भी ये सब्ज़ी बनाई थी, पर मुझे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये पीसे हुए मसालों का लगता है। और जो भी मैं इसमें तेज़पत्ता, लाल मिर्च यूज़ की थी ना, उसे मैं निकाल के बाहर कर दे रही हूँ ताकि खाते टाइम बीच बीच में ये डिस्टर्ब ना करे। और साइड से दाल चावल ये सब बन चुका है। अब मुझे बनानी है रोटी। सबसे लास्ट में मैं भिंडी फ्राई करने वाली हूँ, और सब्ज़ी बनाने में थोड़ा बहुत छींटा लग ही जाता है, तो आसपास मैं अच्छे से कर ले रही हूँ साफ़ सफाई। और लास्ट में मैं भिंडी इसलिए फ्राई करने वाली हूँ ताकि अच्छे से वो क्रिस्पी रहे खाते टाइम तक। वैसे ठंडा होने के बाद भी भिंडी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी थी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी ना क्या क्या डालना है, वो सब डाल के बनाएंगे, तो भिंडी ठंडी होने के बाद भी एकदम क्रिस्पी रहेगी। ये जो कुरकुरी भिंडी है ना, इसे बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में बना रही हूँ। काटने में थोड़ा बहुत समय लगता है, उसके बाद तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो मैं डाली हूँ इसमें नमक, हल्दी का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर का पाउडर, और एक चम्मच मैं इसमें डाली हूँ चावल का आटा। इससे बहुत ही ज़्यादा भिंडी कुरकुरी बनेगी। और साथ के साथ एक से डेढ़ चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक इसलिए डाली हूँ गाइस कि जो भी मॉइस्चर रिलीज़ होगा ना भिंडी से नमक डालने से, उसी मॉइस्चर में अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी बेसन और चावल की। आप चाहें तो चावल का आटा नहीं भी डाल सकते हैं, बेसन से भी ये भिंडी अच्छी कुरकुरी बन जाती है, लेकिन चावल का आटा डाल देने से बहुत देर तक कुरकुरी रहती है और अच्छी खासी क्रिस्पी बन के रेडी होती है। जितनी कोटिंग आती है भिंडी पर हम उसे उतना ही रहने देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा मसाला बच जाता है ना उसे हम साइड कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त तेल ज़्यादा गंदा ना हो। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और आप देख सकते हो एक में डाल के छेक की तो अच्छा गर्म था। अच्छे गर्म तेल में ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगता है और ये कुरकुरी भिंडी बनके रेडी हो जाती है। जब मैं इसे फ्राई कर रही थी तो हस्बैंड को लगा कि मैं पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ, वो किचन में आ गए थे देखने के लिए। वैसे ये भी उनको बहुत पसंद है, घूम घूम के ये खाना भी स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा लगता है कुरकुरा खाने में। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है क्रिस्पी, और फ्लेवर ही बहुत ही अच्छा आता है। गैस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, साइड डिश के लिए ना बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और जब कोई गेस्ट आ जाए तो इस तरह का रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। एक तो क्विक भी है, प्लस टेस्टी भी है, प्लस प्रेजेंटेबल भी काफ़ी लगती है। तो ये रही मेरी आज की संडे स्पेशल लंच की थाली। तो ये सिंपल दही है, ऊपर से मैं बूंदी रख दी हूँ, साथ ही में नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में है बोधी आलू की सब्जी, दाल, सलाद, चावल, रोटी और कुरकुरी भिंडी। सो गाइस, ब्लॉग एंडिंग हम यहीं पे करते हैं अपनी संडे स्पेशल लंच के साथ। होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। ब्लॉग का कोई सा भी पार्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आता हो ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।